नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आकांक्षा पिवार और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 29 जुलाई शनिवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। मदरलैंड पब्लिक स्कूल के संचालक ने छात्र को बेरहमी से पीटा, पार्षद विवाद में दूसरे पक्ष ने ली प्रेस वार्ता। फिजियोथेरेपिस्ट से मारपीट के विरोध में धरना, पानी में बह रही दो बालिकाओं को युवक ने बचाया। राज्य स्तरीय गायन स्पर्धा सुरों के सिंहस का ऑडिशन कल, करनी सेना के विरोध के बाद अब प्रजापति समाज की हुंकार, सवाल पूछे सही जवाब देने पर दी डस्टबिन। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 24 जुलाई की रात 11:30 बजे माधवनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुरा में पार्षद जितेंद्र कुवार के परिवार और रेल कर्मी मोतीलाल रायकवार के परिवार के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को दूसरे पक्ष ने प्रेस वार्ता लेकर अपने परिवार की जान को खतरा बताते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रायकवार परिवार ने विनती की है कि वे अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि पार्षद परिवार की ओर से उन्हें लगातार धमकियां मिलने की बात भी उन्होंने कही है। रायकवार परिवार इतना डरा हुआ है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी घर नहीं जा रहा। पूरा परिवार पार्षद के डर से इधर उधर छुप रहा है। परिवार की महिला अनिता रायकवार ने बताया कि उनके पति मोतीलाल को 2 जुलाई को पैरालिसिस का अटैक आया था, जिनका इलाज चल रहा है। इस हालात में उन्हें अपना घर होते हुए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि शुक्रवार दोपहर भी कुछ बदमाशों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत माधवनगर थाने में करवाई गई है। घर नहीं जा पा रहे हैं क्या? नहीं जा पा रहे साहब, मेरे को डर बना हुआ है और मेरे को डिस्चार्ज दे दिया गया, तो मैं डिस्चार्ज लेके और मैं छुपता फिर रहा हूँ। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप प्लीज? अभी मैं मांग कर रही हूँ प्रशासन से कि मेरा न्याय किया जाए, तो फिर मुझे कुछ दे दे परिवार को, तो मैं दुनिया से चलूँ। जितेंद्र कुवाद है तो उनके बच्चे और वो मेरे से अपराध कर रहे हैं, उनका परिवार अपराध। शिवराज सिंह चौहान से हम तो यही चाहते हैं बस हमारा न्याय किया जाए, और हम इतने डरे हुए कि घर भी नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे बार बार हमला होगा तो हम कैसे सहन कर पाएंगे सर? हम तो बस न्याय चाहते हैं कुछ। घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम भान बड़ोदिया के रहने वाले 28 वर्षीय अजय पिता शेर सिंह चौहान की मौत के मामले में अब प्रजापति समाज ने हल्ला बोला है। समाज जनों ने शनिवार दोपहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा और इस मामले में प्रजापति समाज के लोगों पर दर्ज किए प्रकरण को झूठा करार देते हुए निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के जिला अध्यक्ष गुलाब चंद प्रजापत ने बताया कि 17 जुलाई की रात अजय सिंह ने ग्राम ढाबला रहवारी के रहने वाली विवाहिता के घर में घुसकर अभद्रता करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया था। महिला की चीख सुनकर आसपास के लोग उसे बचाने पहुंचे थे और अजय सिंह को पकड़कर पीटा भी था। इसके बाद उसे उसके परिजनों को सौंप दिया था, जिसके बाद अजय सिंह ने जान दे दी थी। प्रजापत ने कहा कि मामले में प्रजापति समाज के व्यक्तियों पर झूठा केस दर्ज किया गया है, जिसकी पहले निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा प्रजापति समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा। हाँ, प्रजापति समाज के लोगों पर जो गलत धाराएं करके उनको अंदर किया गया और प्रकरण दर्ज किया गया, उसके लिए ही प्रजापति समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं कि उनको निर्दोष साबित करो, उनके सही ढंग से उसकी जाँच हो और उनका सही डिसीजन शासन प्रशासन करे कि इसके पूरे मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। कुल मिला के यही एक हमारा इस ज्ञापन देने का माध्यम है। शुक्रवार शाम ऋषि नगर में युवती के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले को लेकर शनिवार दोपहर कांग्रेसियों के साथ युवती के परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और धरने पर बैठ गए। उन्होंने शीर्ष आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने और मकान तोड़ने की मांग की। इसके बाद एसपी सचिन शर्मा ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल ने यही कहा है कि इसमें यथाशीघ्र जो कार्रवाई है, चाहे वो चलानी हो, गिरफ्तारी हो, वो सुनिश्चित की जाए, और हमने भी यही आश्वासन दिया है कि इसमें यथाशीघ्र सभी कार्रवाइयां पूर्ण कर ली जाएंगी। इन दिनों धमाकेदार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर है। ऐसे में कई हादसे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें जान जोखिम में डालकर लोग तेज बहाव के बीच गुजर रहे हैं। पान बिहार चौकी अंतर्गत भी कुछ ऐसा ही हुआ।
दरअसल जोरदार बारिश के चलते ग्राम कालूहेड़ा नारायण मार्ग पर बनी रपट पर पानी आ गया। स्कूल से घर जाने की जल्दी में 13 वर्ष की छात्रा निशा बोड़ाना निवासी बोरखेड़ी और 10 वर्षीय मुस्कान मालवीय निवासी अरनिया रपट पार करने लगी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने से दोनों बह गई। दोनों को बहता देख महितपुर से उज्जैन आ रहे सिराज नागोरी ने पानी में छलांग लगाई और दोनों बालिकाओं को डूबने से बचा लिया। इस पूरे मामले में प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई। रपट पर पानी आने के बाद भी सुरक्षा के लिहाज से कोई जवान तैनात नहीं था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। घटिया में पिछले दिनों घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ प्रवासी जनजातियों बंजारा बागरी सहित 51 जनजातियों का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान गौरव धाकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि क्षेत्र में भ्रमण करते हुए उन्होंने घुमंतु समुदायों की यह समस्या देखी है कि उन्हें जाति एवं परिचय प्रमाण पत्र बनवाने में काफी परेशानी आती है। साथ ही भावी पीढ़ी के लिए उन्हें व घटिया में अन्य जिलों की तरह छात्रावास भी होना चाहिए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विश्राम सिंह ने जमीन उपलब्ध कराने की घोषणा की, जिससे छात्रावास निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्य अतिथि घुमंतु घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास प्राधिकरण अध्यक्ष बाबूलाल सुरावत ने कहा कि गौरव धाकड़ भाजपा संगठन मंत्री के रूप में उनके क्षेत्र में घुमंतु बंजारों की तरह ही रहकर सुभाष सोजतिया जैसे दिग्गज को हरा कर आए हैं। उनकी मांग स्वीकार है तथा मैं मन से घोषणा करता हूँ एवं कलेक्टर और SDM को निर्देश देता हूं कि तुरंत घटिया व उन्हेल में छात्रावास बनाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। साथ ही गौरव धाकड़ के बताए अनुसार क्षेत्र के चयनित स्थानों पर जाति व परिचय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कैंप लगाया जाए। कार्यक्रम के उपरांत मुख्य अतिथि सुरावत पारदी डेरों पर गए, जहां समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिए। आपको बता दें कि इन्हीं डेरों पर गौरव धाकड़ की संस्था ने कोरोना काल में निःशुल्क राशन वितरण किया था, जिसे अभय न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जाति पात पत्र बनाने के लिए आप इस बार कैंप का आयोजन करें, वो हमारे बंधुओं को कहीं ना कहीं जाति पात पत्र कैंप के माध्यम से एक विशेष समस्या। कई जिलों में हमने घुमंतु समुदाय के छात्रावास देखे हैं, मुझे नहीं पता उज्जैन में क्यों नहीं है, लेकिन हम घटिया में माननीय मंडल अध्यक्ष जी के सहयोग से एक अच्छी सरकारी जमीन आपको चयनित करके देंगे, बालू जी के माध्यम से उन्हें में चयनित करके देंगे, आप एक छात्रावास भी हमको स्वीकृत कराने की कृपा करें। बोलो हरिओम, भारत माता की जय। यदि आप भी गायकी का हुनर रखते हैं और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सुरों का स्नेहस आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, राज्य स्तरीय गायन स्पर्धा सुरों के स्नेहस का ऑडिशन राउंड 30 जुलाई को दशहरा मैदान स्थित होटल सुराना पैलेस में होगा। NSK म्यूजिकल ग्रुप द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि महेश सीतलानी और विशेष अतिथि फहीम सिकंदर रहेंगे। स्पर्धा के विजेता को 25,551 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले कंटेस्टेंट को 11,111 रुपए और तृतीय स्थान पर आए कंटेस्टेंट को 5,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस स्पर्धा का मीडिया पार्टनर अभय न्यूज है। इस म्यूजिकल प्रोग्राम की परिकल्पना संतोष सर की है और निर्देशन राहुल गामी का है। स्पर्धा के संयोजक संजय कौशिक और सह संयोजक पंकज आचार्य है। अभय न्यूज का पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ, जिनके माध्यम से हमारी बात मध्य प्रदेश के कोने कोने तक जा रही है। निर्देशन जिसका इस पूरे आयोजन का जिसका थीम है सुरों का सिंहस्थ, हमारे प्रिय मेरे छोटे भाई राहुल गामी जिसका निर्देशन कर रहे हैं। और यकीनन संगीत की अगर बात की जाए तो संगीत एक त्वरा है, एक मेधा है, एक तपस्या है, एक साधना है, एक चेतना है, एक ज्योति है, एक पूजा है, एक अर्चना है, एक संध्या है, एक श्रद्धा है, एक भक्ति है। तो मैं विशेष रूप से उन सभी संगीत के साधकों को आमंत्रित करता हूँ 30 जुलाई सुराना पैलेस उज्जैन में, 30 जुलाई सुराना पैलेस दशहरा मैदान उज्जैन में प्रथम ऑडिशन है। और मैं मेरे प्रिय भाई राहुल गामी से चाहूंगा कि वे प्रकाश डालें। एक्चुअली मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, तमाम सुरों के साधकों का स्वागत इन चार पंक्तियों के साथ, क्योंकि दुष्यंत कुमार साहब ने कहीं लिखा था
ये जो शहतीर है पलकों से उठा लो यारो, ये जो शहतीर है पलकों से उठा लो यारो, कुछ ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। आप तमाम सुर साधकों का हार्दिक स्वागत है। नगर निगम द्वारा हर शनिवार को आयोजित किए जाने वाले स्वच्छ शनिवार के 12वें संस्करण में आज वार्ड क्रमांक 45 के रहवासियों से सफाई से संबंधित सवाल पूछे गए और सही जवाब देने पर पुरस्कार स्वरूप डस्टबिन दिए गए। साथ ही रहवासियों को समझाया कि कचरा नाली या नाले में ना फेंकते हुए कचरा कलेक्शन वाहन में ही डाले। इस दौरान जन जागरूकता रैली भी निकाली गयी। इस मौके पर महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह आदि उपस्थित थे। आज स्वच्छ शनिवार के 12वें संस्करण में वार्ड नंबर 45 में ये अभियान चलाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अब हम लोगों ने वार्डों में अपनी पहुंच बनाई है और इस वार्ड के प्रत्येक घर में कचरे का जो सोर्स पे जो पृथक्कीकरण होता है, सोर्स एग्रीगेशन होता है, उस पर ध्यान दिया गया है। लोगों को अवेयर किया गया है, उनसे सवाल पूछे गए हैं कि आप कचरे को कैसे देते हैं, जिससे उनको पता हो कि हमें कचरे को किस तरीके से देना है। और लगभग सभी घरों में कचरे को अलग अलग देने के लिए जो अपने डब्बे हैं वो दिए जा रहे हैं। माननीय महापौर जी अपने हाथों से ही इस डब्बों को दे रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल बनाया जाए। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा जो प्रति शनिवार को हम स्वच्छ शनिवार का कार्यक्रम करते हैं, उसी के अंतर्गत आज हमने वार्ड क्रमांक 45 से यह हमने कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि हमारी जो नगर के जो नागरिक है, मोहल्ले के जो हमारे वासी हैं, वो सब भी स्वच्छता से जुड़े और स्वच्छता के विषय को समझे। तो इसलिए हमने आज यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की गई, उनसे प्रश्न पूछे गए और जिन लोगों ने सही प्रश्नों को उत्तर दिया है उनको हमने इनाम के स्वरूप में डस्टबिन वितरण की गई है। और हमने सारे स्वच्छता को लेकर के जो जो भी मापदंड है, किस प्रकार से हम सबको कार्य करना चाहिए, हमको कचरा कचरा गाड़ी में डालना चाहिए, नाली में नहीं डालना चाहिए, नाले में नहीं डालना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर के ये जन जागरण कार्यक्रम किया गया है। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुँचाए। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।